दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने लोकल इन्फो चैनल पे, जहां पर हम हर एक वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन देने की प्रयास करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे एक्सेल की वी लुकअप की फॉर्मूला के बारे में। दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं, एक्सेल की राइट साइड में कुछ डाटा है जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम, उनका सैलरी और एज है। अब देखिए लेफ्ट साइड में सिर्फ एम्प्लॉय आईडी है, जैसे हमारे पास सिर्फ एम्प्लॉय आईडी है एंड नेम नहीं है, तो हमको अभी एम्प्लॉय आईडी के आगे नेम चाहिए। तो हम वी लुकअप की मदद से नेम को राइट साइड डाटा से लेफ्ट साइड में लाएंगे। अभी नेम की जगह में वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है, तो पहले इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट, जहाँ पे हम फॉर्मूला लगाए हैं ये बॉक्स एम्प्लॉय आईडी को देखेगा, तो एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करके कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद अभी एम्प्लॉय आईडी राइट साइड डाटा को देखेगा, तो राइट साइड डाटा को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा देना है। राइट साइड में बहुत सारे डाटा है लेकिन हमको नेम चाहिए, तो सेकेंड कॉलम में नेम है इसीलिए हमको टू लिखना है। टू लिख के फिर कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद इसमें वन लिख सकते हैं या जीरो लिख सकते हैं। वन लिखने से अप्रोक्सीमेट डाटा मिलेगा, जीरो लिखने से सही डाटा मिलेगा, तो हम जीरो लिखें क्योंकि हमको सही डाटा चाहिए। फिर ब्रैकेट देने के बाद एंटर प्रेस करना है। अभी दोस्तों देखिए एम्प्लॉय आईडी के आगे नेम आ गया। इसी तरह फॉर्मूला को कॉपी करके सारे बॉक्स में डालने से सारे एम्प्लॉय आईडी के आगे नेम भी आ गया है। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो था आपको वी लुकअप के बारे में बताने के लिए, लेकिन वी लुकअप की मदद से बड़ा बड़ा डाटा भी आप बना सकते हैं। वी लुकअप फॉर्मूला यूज कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में बताइए, कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। धन्यवाद।